सोशल मीडिया पर एक होर्डिंग की तस्वीर शेयर करते हुए यूजर्स लोगों को चीन में बना सामान खरीदने से मना कर रहे हैं। होर्डिंग की तस्वीर देखने पर ऐसा लगता है जैसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की ओर से ही यह अपील जारी की गई है, क्योंकि इस तस्वीर में दिख रही होर्डिंग के नीचे ऐसा ही कुछ लिखा दिख रहा है। होर्डिंग पर बाकायदे एक सेना का जवान भी दिखता है और उस पर लिखा हुआ है, मैं चीन को सीमा में घुसने नहीं दूंगा, तुम दीपावली पर चीन का सामान मत खरीदना, आओ साथ मिलकर लड़ें देश की लड़ाई। होर्डिंग की यह तस्वीर और चीन के सामान के बहिष्कार की अपील उस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में की जा रही है जिसमें चीनी बॉर्डर पर भारतीय जवान शहीद हुए, जिसके बाद चीन को जवाब देने के मकसद से लोगों ने अपने चाइनीज टीवी बैल्कनी से नीचे फेंकी और भारतीय सरकार ने चीन की 224 मोबाइल ऐप्स बैन कर दी और तब से लगातार सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार है। इस सब की रोशनी में पिछली कितनी ही दिवालियों की तरह एक बार फिर इस दिवाली के त्योहार पर चीनी प्रोडक्ट्स को न अपनाने की अपील की जा रही है और वायरल हो रही इस तस्वीर में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस बार स्वयं ITBP ये अपील कर रही है। ऑल्ट न्यूज आपको बताना चाहता है कि ये दावा पूरी तरह से गलत है। ITBP ने ऐसी कोई अपील जारी नहीं की है, न ही उन्होंने ऐसी कोई होर्डिंग लगाई है। ऑल्ट न्यूज ने इस वायरल तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च किया और ये RK एजेंसीज नाम के एक फेसबुक पेज पर मिली। इसे 5 अक्टूबर 2017 को अपलोड किया गया था। इस तस्वीर में दिख रही होर्डिंग में नीचे स्वदेशी जागरण मंच चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है, यानी होर्डिंग की तस्वीर को एडिट कर स्वदेशी जागरण मंच चित्तौड़गढ़ हटाकर वहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस दल लिख दिया गया। सरकारी फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने भी ट्वीट करते हुए इस वायरल तस्वीर को फेक बताया था। द क्विंट ने स्वदेशी जागरण मंच चित्तौड़गढ़ से जुड़े सतीश कुमार आचार्य से बात की जो इस संगठन में प्रिंट और पब्लिकेशन का काम करते हैं। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि ये होर्डिंग चित्तौड़गढ़ ब्रांच ने ही जारी किया था।